हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मोबाइल सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IMEI नंबर के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि IMEI नंबर होता क्या है। IMEI नंबर, IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये समझ लीजिए कि ये मोबाइल का एक पहचान होता है। ये हर फोन के अंदर मिल जाएगा आपको। 15 अंकों का ये नंबर होता है और जब भी हमारा फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो इसी नंबर की मदद से फोन का पता लगाया जा सकता है। और जब कोई क्राइम होता है तो इसी IMEI नंबर की मदद से जो है क्रिमिनल तक, चोर तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस जो मोबाइल या क्रिमिनल तक, मोबाइल चोर या क्रिमिनल तक पहुंचती है तो इसी नंबर के थ्रू। जैसे हर सिम का एक नंबर होता है वैसे ही हर फोन में ये नंबर होता है IMEI नंबर। और इसी IMEI नंबर के जरिए हम फोन में लगने वाले हर सिम का पता लगा सकते हैं। तो IMEI नंबर का पहचान तो हमने जान लिया। अब ये फोन में होता है, इसको हम दो तरीके से फोन में देख सकते हैं। एक तो ये कोड आता है IMEI नंबर देखने का, उसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं किसी भी फोन में, चाहे वो एंड्रॉयड हो, में कोई भी फोन हो, एप्पल हो, सॉरी MI हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, वन प्लस हो, कोई भी फोन हो या फिर आपको एप्पल हो, तो सब में IMEI चेक करने के लिए नंबर सेम आता है। तो ये हम कोड डायल करेंगे *#06#। तो ये हमारे सामने हमारे फोन का IMEI नंबर खुल जाएगा। ये सिम वन का और ये सिम टू का, ये दोनों सिम का IMEI नंबर है। तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। हर फोन में यही कोड डालेंगे और इसी से आ जाएगा *#06#। और दूसरा तरीका इसको निकालने का ये है कि हम सबसे पहले फोन के सेटिंग में चले जाएंगे। फोन के सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट फोन। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ से आपका IMEI नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस दोनों तरीके से IMEI नंबर को निकाल सकते हैं किसी भी फोन के। कई दफा होता क्या है कि ये IMEI नंबर फोन का करप्ट हो जाता है। हम सेटिंग में जाएंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इनवैलिड या ब्लैंक रहेगा या कुछ एरर या इस तरह का मतलब कुछ मैसेज देगा। या फिर हम यहां से कोड से भी चेक करेंगे तो भी जो यहाँ पे ये ब्लैंक आएगा। तो उस कंडीशन में समझना है कि फोन का IMEI करप्ट हो चुका है। और इसमें फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क आपके फोन का गुम हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। तो फिर फोन का अगर बिल है, बॉक्स है, तो उसको लेकर के आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जा सकते हैं और वहां से फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका चढ़ा दिया जाएगा, आपका जो IMEI नंबर होगा और वो चढ़ जाएगा आपका रियल नंबर जो आपके बिल पे, आपके बॉक्स पे होगा। तो इसके लिए बिल या बॉक्स को संभाल के रखना होगा, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों पे आपका IMEI लिखा होता है। वो चढ़ जाएगा तो आपके फोन में वापस से IMEI नंबर आ जाएगा और आपका, आपके फोन में नेटवर्क आने लगेगा और आपका फोन प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं ताकि आगे आप तक और भी वीडियो हम पहुंचा सकें। और वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सब आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।